1948, the governments of India and Pakistan decided that, as had happened with the rest of their population, lunatics in their asylums must be sent. Muslim lunatics in India are to be sent to Pakistan, while Hindu and Sikh lunatics in Pakistan will be sent to India. In an asylum means a pagalkhana. In Lahore, a Sikh lunatic whom everyone calls Toba Tek Singh refuses to go. It was Sahadat Hasan Manto, the world's greatest storyteller, who gave us the bright glimpses of those darkest hour of India, Indian history, when India got freedom with its partition in the most brutal form. Our fans are going to perform with live music, festive sets and costumes that observes the madness of partition through the eyes of a madman. And it is based on Manto's immortal story, Toba Tek Singh. आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से भीषण सिंह, जो कि एक पागल आदमी है, सबसे यह प्रश्न करता है कि दो देशों और दो घरों की जरूरत क्यों है। आपके समक्ष इसी कहानी को यूनिवर्सल स्कूल के विद्यार्थी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कलम की नोक पे एक मुल्क के दो मुल्क हो गए। बंटवारे के दो या तीन साल बाद दोनों मुल्कों की हुकूमतों को ख्याल आया कि एक पागलखाने के पागलों का बंटवारा बाकी है। इसी ख्याल को लेकर महान कहानीकार सियादत हसन मंटो ने कहानी टोबा टेक सिंह की रचना की, जिस पर आज का हमारे नाटक आधारित है। आइए नाटक के पात्रों से आपका परिचय करा दूं। ये है नारायण चंद। इनके घर, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब दंगों में जला दिए गए। ये सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आ गई, ले करम करा रहे मलाइवल गुफी। ये है किशोरीलाल अरोड़ा। प्यार से लोग इन्हें झांगी भाभी कहते हैं। अम्बुसर से लाहौर चलने वाली गाड़ी में ये छोले और मरुंडा बेचते थे और इनकी महबूबा शमशाद कुल्फी। चंद दंगाइयों ने इनकी आंखों के सामने इनकी बीवी की इज्जत लूट ली और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बस उसी दिन से ही इस कुल्फी को ही अपनी शमशाद समझते हैं
और अपनी कुल्फी किसी को नहीं देते। चले करम करारे मलाई वाली कुल्फी। टुन 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 टुन। ओए वायरलेस मैसेजर सब डिलीवरी टाइम है। एताजी सिनेमा। ये है बलवंत सिंह आजादी फौज के सिपाही। आजादी के लिए इन्होंने मौत से जख्म झेले और अपने साथियों को भी गंवा दिया। पर आजादी पाई भी तो कैसे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ। ये इस बंटवारे को देख अपने होश हवास दुरुस्त ना रख सके। और अब यह शीला शीला शीला। ये है रुपलाल पेशे से एक वकील। अक्सर अपनी महबूबा शीला को याद किया करते हैं जो अभी अमृतसर में है। बस इनकी जुदाई इनके पागलपन का कारण है। खुदा हो आओ मेरे पास। नहीं आते मत आओ। मुझे कौन सा पूरे जाना है। ये है मोहम्मद शकील खान। सुन्नी धर्म ने कुछ कट्टर समर्थकों ने काफिर करार कर में समाज से निकाल दिया। ये सदमे को सहन ना कर सके और अपने आप को ही खुदा माने लगे और फौरन यानी विदेश न जाने गिरट लगाए रहते हैं। बड़ खाबड़ धरती धरती पर गिरा खून गरंगलाल बच्चे नेशा में फंसे लाहौर से भरी लाशों की गाड़ी कोई किसी का नहीं कोई किसी का नहीं। ये है बिशन सिंह। इनके भाई ने इनकी सारी जमीन हड़प ली और इन्हें पागल करा कर यहाँ पहुंचा दिया। आप इन्हें दुखिया संकी कह सकते हैं लेकिन पागल नहीं। और हाँ मैं इस नाटक में सूत्रधार हूँ और कर्मचारी का किरदार भी निभा रहा हूँ। पर किथे है इस दी छां इंसानों दे नाम गवाचे रिश्तियां दा की रखिए ना रिश्तियां दा की रखिए ना रिश्तियां दा की रखिए ना। बाबा टैक्सी कार कार बाबा टैक्सी। मुझे क्या पता यहाँ सब पागल है। बस मैं ही एक समझदार हूँ। इसे देखो सीधा सीधा है नहीं सीधा 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 तार रहता है। और ये छोले चाहे छोले एक रंग का है छोले एक रंग का है। और ये अरे फौजी नेताजी जिंदाबाद। यहाँ सब पागल है पागल 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 सब पागल है। पागल को जिन्होंने बच्चों को नेजा से मारा पागल मेरा भाई जिन्होंने मेरी जमीन हड़प कर मुझे यहाँ भेज दिया। मैं पागल है मैं पागल। चलो भाई चाय ले ले चाय का समय हो गया। चाय 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 रुपलाल चाय। अरे सुनो मेरी शीला के लिए तो डाल जाओ उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अच्छा ये लो। माफ करना शीला अपनी चाय में थोड़ी सी पत्ती आ गई पर तू चिंता ना कर मैं इस पर सारे के सारे दवाएं लगा दूंगा। वो अलग है ताकू तेरी खान के बताए सारी सारी जानवरों की गिना दी थी। मेरे छोले दी कोई गल नहीं जे मेरी कुल भी नाल को सदंदा तेरी जान ले लेंदा कुल भर के पे। अच्छा ये लो मुंह देख दे पिए। बलवंत सिंह चाय। ओए असी फौजिया फौजी फौजी लोग चाय नहीं पींदे रम पींदे ने रम रम है पागल करी चाय पिलाना है सानू भूतनी का नारायण चाय। शकील खान चाय। अरे देख के बस इतनी चाय कौन पिएगा तेरा बाप। अरे जितनी पीनी है उतनी पी लेना बाकी छोड़ देना। क्यों मैं कोई पागल हूँ तो छोड़ देना। पागल तो ये सब लोग हैं जो इस पागल खाने में रहते हैं। तो तू कहाँ रहता है तू भी तो इस पागल खाने का वासी है। तू भी तो सवेर से शाम तक यहाँ तक के खाता है। तू पागल नहीं मैं तो यहाँ का कर्मचारी हूँ। हम यहाँ के आल अफसर नाउ गेट आउट। किशन सिंह चाय। आज कोई मुलाकात ही नहीं आया यार। नहीं आ रहा कोई नहीं आया
हाँ मेरी बेटी रूपा भी नहीं आई। हाँ जड़े वाली तेरी रूपा सी बहु को बहुत सारा मरूड़ा खिलाए सा। हाँ उसे बहुत सारा मरूड़ा खिलाइयो और अपनी कुल्फी भी देना। नहीं आ रहा तू छोले जिन्ने मर्जी ले ले भावे पैसे भी ना दे पर कुल्फी मेरी जान शमशाद है मैं उसे किसी को नहीं देवांगा। बिशन सिंह मुलाकात बिशन सिंह मुलाकात मेरी बेटी रूपा ही है मेरी बेटी रूपा रूपा मेरी बेटी रूपा 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 कहाँ है तू रूपा। बांगू बापू तू रोता क्यों है? मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। बापू मैं भी तेरी रूपा हूँ। नहीं नहीं जैसी जरूर है पर कपड़े वो रूपा जैसे ही पहनती है। बापू मुझे गौर से देख मैं ही तेरी रूपा हूँ। अगर तू मेरी रूपा है तो बोल तुझे कपड़े किसने दिए? झूठ झूठ तेरा माँ झूठी है। मेरी बेटी उसके दिए कपड़े पहने की जिसने मेरी जमीन डॉक्टर मुझे यहाँ भेज दिया। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती मेरी बेटी। ना बेटा ना ना बेटा रूपा ना रो मत मैं हूं ना। अच्छा ये बता मेरा चाचा सारी जमीन बाता है ना? हाँ अपने वाली भी। चलो अच्छा है। बापू अपनी वो लोरी है ना उसने दो पिल्ले दिए हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे नरम नरम। अच्छा ये बता तूने कुछ बांटा के नहीं? गुड़ होता है शायद। बापू मैं क्या बांटती मेरे पास था ही क्या? तू चिंता ना कर मैं तुझे बहुत सारे मरूड़े दूंगा सबको देना। भाई अमृत कौर भाई रमजान सुरजीते फजलदीन ना टोबा टेक सिंह का कोई घर बाकी ना रह जाए। अच्छा बापू बांट दूंगी। बिशन सिंह मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। सुनो सुनो इधर आओ एक बात करनी है तुमसे। अभी अभी हुकुम जारी हुआ है कि वायरलेस पर मैसेज आया क्या? हल्ले गरम करा रहे मलाई वाली कुकी है। अबे जब कभी कभी बादला के बाद से आकर हाँ और सुनो मुल्क के दो हिस्से हो गए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोनों मुल्कों ने अपना सब कुछ बांट लिया है। जिस जगह तुम अभी रह रहे हो ये पाकिस्तान में लाहौर का एक जिला है। बस तुम लोगों का बंटवारा बाकी है। ओ अनुपाकर बना रहे गंदा देश के दो हिस्से हो गए। ये मुझे नहीं पता मुझे तो बस इतना पता है कि मुल्क के दो हिस्से हो गए हैं पूरे दो। मातस टुकड़ी तो दरअसल के दो हिस्से के लिए बना सकता है पर तेरी पोस्ट की क्या बन गई है? काट कर भी तो अलग अलग हुए ना पूरे पूरे दो तो नहीं हुए। एक की जड़ नहीं रहेगी तो दूसरे के फल नहीं लगेंगे। लगता है पागलों के साथ रह रहकर ये भी पागल हो गया है। अगर मुझे मारने से वो केक रहता है तो मेरी जान ले लो। मैं कौन होता हूँ मुल्क बांटने वाला? मार रहे तो ले लो और रहनुमाओं को मारो जिसने मुझे तुम्हें हम सबको बांटा। कहाँ के लीडर कहाँ के रहनुमा? अगर किसी लीडर की आंखों के सामने उसके बीवी बच्चे दिलाग राख कर दिया हो तुझे बताओ? ओए मुल्क मंडलाए ने जमना है तो ले आओ आगरे का ताजमहल और दर्दों की लाहौर अजमेर की दरगाह ले आओ कितने पैसों और दर्द मंदिर गुरुद्वारे पट के अंदर लाओ।
मैं कहता हूँ अंग्रेजा नु वापस बुलाओ जिन्होंने सानू कड्डा रखा उन्होंने आता असि कले कटे नहीं रह सकते नहीं रह सकते। तुझे किसने कहा था कि हमें होता कि पाकिस्तान बन गया? ऐने दिन तू चुप रहे आसी और नहीं रह सकता। अगर शीला का खैर ना होता तो तुझे फौज पर चढ़वा देता। हमें हमें फोन भेजने की जरूरत है। क्या बदतमीज है, एक एक को सीधा कर दूंगा। नहीं साहब कहेंगे। नहीं साहब आप अपनी कार्यवाही शुरू करें। ये यूसुफ साहब पाकिस्तान के अफसर। वो तो इनकी हरकतों से ही लगता है। बस भाई यही है जो तुम्हारा बंटवारा करने आए हैं। दो मुल्क हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम और सिख। फिर भी इधर या उधर जाना चाहे तो बता देना। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो मेरे दाएं ओर आ जाए और जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो मेरे बाएं ओर आ जाए। हाँ तो नारायण चंद। बोलो नारायण चंद तुम कहाँ जाना चाहोगे? अरे जल्दी बोलो हमें और भी पागल बांटने हैं। जब तुम्हें लाखों करोड़ों को बांटकर क्या ना मिले तो हमें बांटकर क्या मिलेगा? जुबान लड़ाता है। नहीं साहब आप अपनी कार्यवाही शुरू करें। ये हिंदुस्तान जाएगा, इसके बच्चे कुछ रिश्तेदार वहीं हैं। हाँ तो शकील खान। बोला शकील भाई तुम कहाँ जाना चाहोगे? मियाँ ये खुदा भी साहब में बड़ा कमजोर है। जब उसकी समझ में नहीं आता तो वह लोगों में दहशत और वहशत भर देता है। मैं जिंदगी भर चीखता रहा चिल्लाता रहा मुझे कौन सा फॉरेन जाना है, मुझे कौन सा फॉरेन जाना। आज मैं सचमुच फॉरेन चला गया। मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अभी तक तो हम हिंदुस्तान में थे और बिना कहीं गए हम लोग पाकिस्तान में कैसे आ गए? मेरी बात का जवाब दो। अमृतसर कहाँ है? हिंदुस्तान में। और लाहौर? पाकिस्तान में। तो मैं कहाँ जाऊँ? यही तो तुमसे पूछ रहे हैं तुम कहाँ जाना चाहते हो? मुझे तो लाहौर और अमृतसर दोनों चाहिए। अमृतसर में मेरी शीला है और लाहौर में मेरी वकालत। मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी। हम कौन होते हैं तुझे लाहौर और अमृतसर देने वाले? साहब साहब फिर दोनों का इकट्ठा कर दो ना साहब। हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हाल की हाल फैसला करो कहाँ जाना है। यही रहूंगा, बस अपनी शीला से मिला। तुम सब अपने राम रमन पिता से मिलकर यही दुआ करना कि या तो अमृतसर पाकिस्तान को मिल जाए या फिर लाहौर हिंदुस्तान। सूबेदार बलवंत सिंह। चंगा मित्रों दास ना माफ करना, बस एक और दास है उस भाई गुरु अग्गे कि हे चुच्चे बादशाह एना ने जो किता एना ने माफ करे। बस एनी एक बख्शी एना ने जे एक दे दो, दो दे तीन या चार ना कर, दो दे तीन या चार ना कर, दो दे तीन। किशन सिंह उर्फ डोबा टेक सिंह। बोलो किशन भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो? डोबा टेक सिंह। क्या बकवास है? मैंने डोबा टेक सिंह जाना है, सिर्फ डोबा टेक सिंह। डोबा टेक सिंह कोई मुल्क नहीं है। इस वक्त हमारे पास दो मुल्क हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? जी हमारी रूही छोटे छोटे प्यारे प्यारे नरम नरम बिल्ले दिए हैं, जरा बताएंगे उनमें से कौन से हिंदुस्तान में भेजे जाएंगे, कौन से पाकिस्तान में रहेंगे? हम यहाँ इंसान बांटने आए, कुत्ते नहीं। खामोश, कुत्ते तुमसे बटे नहीं, चले हो इंसान बांटने। अरे बांटना ही था तो लोगों के दर्द बांटते, कटी फटी लाशें बांटते। बस साहब ये हिंदुस्तान जाएगा, इसके बच्चे कुछ रिश्तेदार वही है और इसकी बेटी रूपा को वहाँ भेजा जा रहा है। ठीक है ठीक है, अब रह गया किशोरी लाल अरोड़ा। हाँ भाई किशोरी तुम्हें कहाँ जाना है? साक्षी साक्षी सानू तो जिधर बुला की ज्यादा उधर भेज दो, असा तो छोले ही बेचेंगे। बड़ी से हमने ना जरा छत्ती चंद है एना तो बना ना ना बनेगी। बेटू की बातें छोड़ो, सीधी से बोलो कहाँ जाना है। बस चुप हो, अंग्रेज ना सत्ता दी चमचागिरी करवाते रे, हिंदुआ मुसलमाना सिक्का ते विच वंडना है। असा तो अपनी बहन के टोटे टोटे करके इज्जत बचाई है। कुत्ते चले गए तो भी बिजी, कुत्ते चले गए तो भी बिजी, वे तो जीते रहे हैं। साहब अब मुझे इजाजत दे, इनके साथ इतने दिन रहा इन्हें जुदा होते नहीं देख सकता। अजीब माहौल है। बुजुर्ग आला एक दफा से बोलो।
अंधेरा तू सोया क्यों तू सोया।
स्कूल कैसा होता है, क्योंकि बच्चों की एक्सपेक्टेशन सिर्फ माता पिता से नहीं है, स्कूल से भी है, टीचर से भी है। ये यहाँ पर बच्चों ने दिखाया कि वो कैसे माता पिता चाहते हैं और उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। अभी जो स्कूल का एक छोटा सा रूप आपको बच्चे दिखाएंगे वो उनका सपनों का स्कूल होगा। तो आई थिंक बच्चे रेडी हैं सपनों का स्कूल आप लोगों को वहां ले जाने के लिए, अपने सपनों के स्कूल में। Parents, staff,
और प्यारे बच्चों, इतना खूबसूरत प्रोग्राम देखने के बाद और इतनी पेशेंस के साथ, आप लोगों की पेशेंस देखते ही अब आगे कुछ मेरी जुबान बंद हो गई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। जो मैं कहना चाहती थी वो सब आपने अपने अपने व्यवहार से, अपनी परफॉर्मेंस से कह दिया। धन्य है आप बच्चे, आपको ऐसे डायरेक्टर मिले, आपको ऐसी प्रिंसिपल मैम मिली और आपको ऐसा स्टाफ मिला। ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो आपके साथ होते ही हैं, पेरेंट्स सभी के साथ हैं, सभी पेरेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे गुरु का मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्कूल की तारीफ तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं प्रशंसा के दो शब्द भी कहाँ से कहूँ। एक छोड़ूंगी, 10 बोलूंगी 11वां रह जाएगा, 20 बोलूंगी 21वां रह जाएगा, फिर भी कुछ बोलना है। सबसे पहले मैं आपको, मैंने गेट से एंटर किया, वहीं से थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या वंडरफुल आप लोगों की स्कूल की मेंटेनेंस है। पता लगता है कि कितना डिसिप्लिन अंदर होगा आपका, आपके टीचर्स, आपका मैनेजमेंट कितना जबरदस्त आपको स्वच्छता की ओर लेके जाता है, डिसिप्लिन की ओर लेके जाता है। उसके बाद आपके स्कूल के ऑफ स्टेज एंड ऑन स्टेज दो प्रकार के इसमें बांटा गया, भागों में बांटा गया है प्रोग्राम को, दोनों ही बेइंतहा खूबसूरत। अंदर हमने देखा, बल्कि मैंने तो तुम्हारी मैडम को यहाँ तक कहने की जरूरत पड़ी कि ये कम से कम ये चीज मेरे तो को जरूर दे दीजिएगा, ये परफॉर्मेंस की ये चीजें, ये टिप्स मुझे दे दीजिएगा। इतना खूबसूरत आपका कि आपने भारतीय संस्कृति को उभारा है, आपने हरियाणवी संस्कृति को उभारा है, आपने डिजिटल इंडिया को उभारा है, आपने गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी को उभारा है, आपने स्पोर्ट्स को उभारा है। कौन सा ऐसा फील्ड था जो आपने नहीं प्रदर्शित किया? हर फील्ड को आपने उभरते हुए भारत की हर इमेज को, हर प्रतिमा को आपने यहाँ पर उभार कर साकार कर दिया कि हिंदुस्तान क्या है। और आपको सिखाया है, उभारना किसके लिए, आप लोगों ने बनाया है बच्चों, आपके लिए है, आपने बनाया है। ये आपके एक अंदर इच्छा जगाता है कि आपको आगे क्या बनना है, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर सबसे खूबसूरत और अहम और पहला स्टेप है। मुझे उम्मीद है कि जो टीचर्स आपको सिखा रहे हैं आप उसको अपने दिमाग में छाप लेकर जाएंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद आते हैं हम स्टेज की बात, स्टेज कमाल, देशा में देश रहे भारत, भारत में हरियाणा, वंडरफुल हमारा हरियाणा, सचमुच अंदर में बहुत खूबसूरत हरियाणवी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया था। मैंने कहा कि मैडम ये वाला तो मुझे जरूर पिक्चर भेजना जहाँ पूरी संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति एक ही जगह आपने प्रदर्शित कर दिया है, ऐसा तो कभी मैं सोच नहीं पाई। दूसरा, इस गाने के माध्यम से ये दिखाया कि हमारा हरियाणवी, हमारा हरियाणा का बच्चा कितना जोशीला है, कितना प्रोग्रेसिव है कि लड़कियां भी आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। तीन बच्चे हैं, तीनों कितने जुझारू हैं, बच्चा एक फौज में देश की रक्षा के लिए, जय जवान जय किसान, देश किसके ऊपर टिका है, जय जवान जय किसान, किसान अन्न उगाएगा जनता पलेगी, फौजी देश को जय किसान जय जवान, अपना खून देगा देश से रक्षा करेगा, पूरा कि कितना खूबसूरत। बाकी और हरियाणा कल्चर को भी दिखाया। उसके बाद और भी, मैं सबकी बात क्या करूं, बहुत आप लोग परेशान हो गए हैं, तो मैं सारे आइटम्स की बात ना करके ये कहूंगी कि ये रिमोट में स्कूल था, हमें बुलाया, रमन हमारा बच्चा है, उसने हमसे बात की, गुरुजी से बात की, हमें लगा दूर जा रहे हैं, चलो अच्छा है बच्चों से मिलना होगा, यहाँ आकर सारे भ्रम टूट गए। गांव रिमोट कुछ नहीं है, यहाँ पे स्कूल में मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी गांव के स्कूल में आई हूँ। कमाल, वंडरफुल, क्या परफॉर्मेंस, क्या नहीं था यहाँ पे आपको, इतनी अच्छी प्रिंसिपल, इतना खूबसूरत आपको इन्होंने स्कूल की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, आपके स्कूल ट्विन स्कूल के बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रही है, इंटरनेशनल पे जा रही है, जापान जा रही है और कहाँ कहाँ जा रही है, और भी इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ाई 98 पॉइंट तक आप मार्क्स ले रहे हैं, कहाँ कमी है, वंडरफुल। मैं तो उसको बहुत थोड़े में यही कहूंगी कि आपको बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट मिला है, बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, आप लगी हैं कि आपको ऐसा माहौल मिला है, आप यहाँ से बहुत, जब आप स्कूल को जाएंगे ये स्कूल की यादें आपकी जिंदगी में बनी रहेंगी और आपको बहुत कुछ देंगी, आप यहाँ से सीख लेके जाएंगी। देखो आज
माहौल कितना गंदा बाहर हम देखते हैं। टोवा टैक्सी जनता कभी नहीं चाहती, बट ना कुछ लोग बांटते हैं। हमें क्या करना है, हमें समरसता का भाव रखना है, हमें किसी जातिगत दलगत में नहीं जाना, हमने सब भाईचारे के साथ चलना है, हमें ईमानदारी के साथ चलना है, हमें बहुत मेहनत के साथ अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी है, अपना मुकाम बनाना है। हाँ, सबसे बड़ी बात आपकी मैडम ने भी कही, मैंने भी कही और आपने देखा भी कि आज लोग डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर्स के पीछे भागते हैं। मैं यहाँ पर बीइंग साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं साइकोलॉजी की हूँ, मैंने बच्चों को नजदीक से देखा है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं एक बात जरूर पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि हम अपनी इच्छाओं को बच्चों पर ना थोपें, हम बच्चों को अच्छा माहौल दें, अच्छा स्कूल दें, अच्छे टीचर्स दें और उनको सारी फैसिलिटीज दें कि वो डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर्स बनने के राह पर चले। लेकिन अगर कोई बच्चा साइंस मैथ में नहीं चलता तो इसका मतलब आप ये कभी ना समझें कि वो बच्चा नालायक है। वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये अलग बात है कि हम उसके उस हुनर को पहचान नहीं पा रहे। बच्चे को अच्छी एजुकेशन दीजिए, आप उसके हुनर को पहचानिए और बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है आप उसमें जाइए, उसमें उसको जाने दीजिए। आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा आपके पास फील्ड्स है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर से देश नहीं चलाते, वकील भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, बिजनेसमैन भी चलाते हैं और सभी लोग मिलकर इस समाज को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, फौजी डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो मेरा यही, यहाँ पर जो मैंने कुछ देखा वही मेरा सब कुछ, मैं वही कहना चाहती थी जो यहाँ के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रिंसिपल मैम ने यहाँ पर सारा प्रदर्शन कर दिया। अंत में मैं ये सिर्फ यही कहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की अपनी काबिलियत को पहचाने, योग्यता को पहचाने, उनको बहुत अच्छा माहौल दें और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें एक्सेल करने के लिए उनको मौका दें। और बच्चों से मैं ये उम्मीद करूंगी कि हमें भाईचारा, प्रेम, निष्ठा, लगन और हमें ईमानदारी के रास्ते पे जाना है। बहुत मुश्किल है ईमानदारी के रास्ते पे चलना, बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत, लेकिन बच्चों ये देश तभी आगे चलेगा क्योंकि कल आपने देश संभालना है। हमने देश संभाल लिया, हमारी जनरेशन, छोटी वाली जनरेशन संभाल रही है, अब आप लोगों की बारी आने वाली है। हमें देश को ऊंचाइयों तक लेके जाना है और एक बहुत अच्छी छवि बनानी है। तो बच्चों मुझे मेरी ये बात ध्यान रखना कि हम कभी भी तरक्की के रास्ते में चलते हुए अपने पथ से कभी ना टले, हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी के साथ चलना है और हमें ऊंचाइयों तक पहुंचना है। मेरी शुभकामनाएं ये है कि जब आपको आपकी जड़ें, एजुकेशन की जड़ें इतने अच्छे स्कूल के हाथ में, इतनी अच्छी संस्था के हाथ में है तो कोई कारण नहीं कि आप कहीं पिछड़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने खूब मेहनत करके आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरकी दादरी संजय यादव जी फ्रॉम कोसली, प्लीज सर बी ऑन स्टेज। और सबसे बड़ी बात जो इतनी देर से आप धूप सहन कर रहे हैं, प्रेम को देख रहे हैं, आपको भी
अच्छा लगा होगा, ऑन स्टेज भी प्रोग्राम था, हमारा ऑफ स्टेज भी था, तो काफी लोगों ने ऑफ स्टेज को शायद इग्नोर कर दिया। ऑफ स्टेज भी हमारी वही थीम थी, ऑन स्टेज भी वही थीम। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आप यहाँ आए, अपना इतने गर्मी में इतना ज्यादा समय बिताया। हमने आपसे कमिटमेंट किया था जब हमने स्कूल शुरू किया कि गांव के इलाके में हम शहर की कमी आपको खलने नहीं देंगे। कई बार हमारा डिस्कशन होता है प्रिंसिपल मैम और स्टाफ के साथ डिस्कशन होता है कि दादरी से यहाँ पे बच्चे क्यों आएंगे। भाई जब आप कुछ दोगे तो जरूर आएंगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो क्यों आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि दादरी में एजुकेशन अच्छी होगी, मैदरगढ़ में एजुकेशन अच्छी होगी, दिल्ली में एजुकेशन अच्छी होगी। अच्छा आपके पास विजन है, अच्छा आपके पास स्टाफ है, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली द स्टूडेंट्स वेलकम। बेटे थोड़ी देर के लिए, पांच मिनट के लिए सुने। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो विजन हम लेके चले थे वही विजन हमारा रहेगा। हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, आने वाले समय में भी बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमने दो साल में इतना ज्यादा लॉस सहन किया है तो आप इससे कल्पना कर सकते हो, मान सकते हो कि हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, 1% भी समझौता नहीं करेंगे। और शायद आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा, हमने 4 साल पहले, मेरे दोस्त प्रदीप जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं और प्रदीप बैठे थे एक हमारे एक, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा प्लीज। हमारे पास एक कोच आए अनिल जाखड़, तो वो बोले उनके बच्चे आरईटी स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे यदि ये फैसिलिटी दे देते हो तो मेरे बच्चों को मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि भाई बिल्कुल दे देंगे, लेकिन बात ये है कि आप हम फैसिलिटी दे दें और आप 10 दिन के बाद चले जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल 3 साल तक मैंने बॉन्ड भरवाया, 3 साल तक नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल आपको चाहे कितने बड़े, 3 साल से पहले मैं जाने नहीं दूंगा और आप, वी आर रेडी। हमने वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी। कुछ लोगों ने कहा था कि शूटिंग करने लग गए तो भाई फिल्म बनाने लग गए, सम ऑफ द पर्सन टुक इट इन द रॉन्ग वे, और उसी का रिजल्ट है हमारे कितने स्टूडेंट्स नेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल जीते। बहुत से स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट काउंट ऑल द स्टूडेंट्स नेम। 3 बच्चे हमारे उस स्कूल के इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं। लेट मी टेल द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स। एक हमारा लक्की लड़का था, लक्की अभी भी वहीं पे है, ही सिलेक्टेड फॉर 4 साल से, पिछले 4 साल से इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो रहा है उसका, 4 साल से इंडिया की टीम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। 14 साल से पहले बॉयज कैटेगरी में हम नहीं भेज सकते, ये कोई गवर्नमेंट का नियम है। एक नितिन नाम है जिसका पिछले 2-3 साल से सिलेक्शन हो चुका है। मेरे परले स्कूल के कोई स्टाफ मेंबर आए हैं तो वो तो जानते हैं, परले स्कूल के और भी कोई आए वो तो जानते हैं। एक हमारी लड़की का आपने नाम सुना ही होगा, मनु जो है हमारी ही लड़की है, बिटिया है, उसने इंटरनेशनल लेवल में जापान के वाको सिटी में यूथ एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था, तो ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। उसके बाद उसने नेशनल लेवल पे 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, 11 गोल्ड। और मैं आपको बता देता हूं, 1 गोल्ड के गवर्नमेंट 3 लाख रुपए देती है, तो 33 लाख रुपए तो उसकी यही है। ये भी तो भाई पढ़ाई है, पढ़ाई आप करते हो जॉब लगने के लिए, और शायद 33 लाख रुपए कमाने में बहुत सा समय लग जाता है, और वो केवल शी इज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। और आज ही खुशखबरी है, आज की ही अभी है, थोड़ी देर पहले भाई साहब का फोन आया, वो यहाँ पे नहीं आ पाए, आज उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आज की बात, और गोल्ड मेडल जीता है जो खेलो इंडिया में, 400 में से 387 अंक उसने मारे हैं और गोल्ड मेडल जीता है उसके। उसने 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट व्हाट इज द अमाउंट। तो आप यू कैन मेक योर करियर इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, जैसे कि डॉक्टर अलका ने कहा कि भाई आप अपनी आकांक्षाएं थोपे ना कि हमें साइंटिस्ट बनाना है, आपका यदि बच्चा खेल में अच्छा है तो उसको जाने दो। स्पोर्ट्स के लिए हमने बहुत ज्यादा किया, आर्ट्स में हमारी आपने कुछ देखा होगा, अभी आर्ट्स की जो कल्चरोत्सव हमारा चला हुआ है,
तो ये मंटो ग्रेट राइटर ऑफ इंडिया, तो क्या कितना खूबसूरत बच्चों ने प्रेजेंट किया। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि जो बच्चे आर्ट्स में हैं, जो इतने खूबसूरत जो एक्टिंग करते हैं, तो देयर इज अ वाइड स्कोप फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स आल्सो। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा। आपने देखा होगा कि दादरी से एक हमारा एक लड़का बिकम इंटरनेशनल स्टार, वो हमारे रमन जी के साथ ही पढ़ते थे। देयर इज अ ग्रेट स्कोप इन आर्ट्स आल्सो, सो डोंट इग्नोर द आर्ट्स, दैट ओनली दैट वी हैव टू टेक द साइंस स्ट्रीम भाई। जिस विश्वास चौहान जी, विश्वास, अभी साइंस का हमने प्लेटफॉर्म दिया है। अभी आपने सुना मैडम ने जो कहा था कि हमारे 25 साइंटिस्ट, हमारे 25 बच्चे जो अभी ऋषिपाल जी की अगुवाई में यहाँ पे बैठे होंगे, ऋषिपाल जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो हमारे इंडिया हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए 25 बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और एक बच्चे ने तो शायद एक मेडल भी जीता था। तो ही इज ग्रेट वर्दी ऑफ दैट, सो आई गिव अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द स्टूडेंट्स हू पार्टिसिपेटेड इन साइंस कॉन्क्लेव इन जयपुर। टीचर्स का जैसे आपने देखा है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट ईयर हमारे टीचर्स कुछ बाहर गए थे, अहमदाबाद और इस यहाँ पे हैदराबाद भी गए थे, 8 जगह पे गए थे। तो लोगों ने कहा था कि वर्कशॉप क्या क्या वर्कशॉप है। अरे वर्कशॉप से तो भाई जो चीज़ आप नहीं जानते वो चीज़ें, नई चीज़ सीखने में हर्ज क्या है, जो सीख रहे हो तो अच्छी बात ही है। एक मैथ्स का टीचर कहता है कि मेरे को तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ही हैज गॉट ओनली एक्सपीरियंस, एंड ओनली द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन नॉट गो फर्दर। एक्सपीरियंस एक अच्छी बात है, इनोवेशन और अच्छी बात है। तो टीचर्स वर्कशॉप के लिए मैं प्रिंसिपल मैम को विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में हम इंटरनेशनल में भेजेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप में भेजेंगे, और शायद वो टाइम हमारे टीचर्स के लिए बहुत जल्दी आने वाला है, शायद बहुत जल्दी। आप यू आर वेटिंग, यू आर स्टैंडिंग इन द रो, यू आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। हम केवल इंडिया इंडिया तक सीमित नहीं रहेंगे, बिकॉज आवर स्कूल नेम इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स दैट इट इज नॉट बाउंडेड, जैसे कि अभी बच्चों ने कहा कि एक देश के अंदर यूनिवर्सल मीन्स, आप जानते हो सारा ब्रह्मांड है, ये कोई सीमित नहीं कि चिड़िया और हरियाणा तक ही सीमित है। भाई मैं आपके साथ इसके साथ ये भी अपील करना चाहूंगा कि चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स नीड योर कोऑपरेशन, डोंट इग्नोर देम। ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, इमोशनली रिक्वेस्ट है आप सभी से, कि जो बच्चों ने अभी जो मेरे को रुला दिया था, उन बच्चों ने उन्होंने आप जो कहते हो ना भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, रियली क्या है कि आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए कर रहे हो। जो एक कार खरीदना चाहता है, एक के पास छोटी कार है, बड़ी कार खरीदना चाहता है, वो केवल अपने खुद के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए कार खरीदना चाहता है, उसके बच्चे की कार से कोई लेना देना नहीं। बच्चों को ना आपकी कार चाहिए, ना आपकी साइकिल चाहिए, ना आपकी हवाई जहाज चाहिए, बच्चों को केवल आपका प्यार चाहिए। थोड़े से दिन के लिए खेलो, एक हमारे एक बच्चों के साथ खेलो, और मैं भी स्टार्ट करूंगा, मेरी बेटी के साथ मैं खेलता तो हूँ, बाकी मैं और ज्यादा खेलना शुरू करूंगा, आई प्रॉमिस टू माई चाइल्ड। एक हमारे बीच में एक राजा जी, एक राजा है, पेरेंट्स हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को, घर पे बेशक ना पढ़ाओ, घर पे उनके साथ खेल लो, पढ़ा हम बहुत देंगे, बहुत पढ़ा देंगे, उनके साथ खेल लो भाई, 10-10 मिनट खेल लो। ये व्हाट्सएप और फेसबुक है, ये टाइम वेस्टिंग है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे रहते हो, कोई किसी का तो छोटा सा एक बार टन दे दीजिए आया, उसी टाइम पे भाग के जाएंगे, पता नहीं क्या उनकी रेल आ रही है क्या, कोई जरूरी नहीं, इग्नोर देम। आपके लिए सबसे बड़ी जो चीज है आपके बच्चे हैं। हम यहाँ पे एक अगले साल में जो करने जा रहे हैं, हम आपको बता दें, हमारे पास जो अवेलेबल यहाँ पे कोच है, हमारे पास ताइक्वांडो का नेशनल लेवल का यहाँ पे कोच है, और बेटे एक बार जो ताइक्वांडो के लिए जो खेलते हैं बच्चे, एक बार खड़े हुए भाई, जो बच्चे ताइक्वांडो कर रहे हैं, ताइक्वांडो के लिए जो बच्चे हु आर प्लेइंग ताइक्वांडो, ताइक्वांडो के जो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे पास कोच है, बॉक्सिंग का हमारे पास कोच है, योगा और टेबल टेनिस के हमारे रमन जी करते हैं। तो भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और आने वाले समय में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे इसी स्कूल से इंटरनेशनल स्टार निकलेंगे। इंटरनेशनल स्टार नहीं निकले तो भाई आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन कर देना, यहाँ कोई भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होगा। सो आई अगेन वेलकम ऑल द पेरेंट्स हु गेव देयर प्रीशियस टाइम
आगे भी आप आते रहा करो, हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, बहुत बहुत आगे चलिए। थैंक यू सो मच सर, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज गिवन टू यू ऑल। मार्क्स के पीछे मत भागो, सिर्फ जिंदगी के पीछे भागो। सो एट लास्ट ऑन स्टेज भंगड़ा टीम इज हियर टू रॉक यू, और उम्मीद है कि आप सबका भी नाचने का मन कर जाएगा, ऐसी परफॉर्मेंस अब लास्ट में बच्चे लेके आ रहे हैं। सो गिव अ बिग हैंड्स ऑफ क्लैप्स फॉर भंगड़ा टीम। यस, ऑडियंस में भी होना चाहिए।